देखो काशीपुर में विपक्ष हताश और निराश है, और काशीपुर ही नहीं मैं तो कहूँगा पूरे प्रदेश में हताश और निराश है। काशीपुर में भी अभी जो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे सफाई व्यवस्था में और दुरुस्त दुरुस्त करने की जरूरत है, काशीपुर के सौंदर्यकरण की जरूरत है। चुनावी हलचल के एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल और मैं हूँ आपके साथ उन्जिला फातिमा। और आज हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी जी, जिनसे हम बात करेंगे। शुरुआत करेंगे तीखे सवालों के साथ। सर, मेयर चुनाव में बहुत कम टाइम बचा है, जैसे कि माना जा सकता है कि अक्टूबर एंड तक हो सकते हैं चुनाव, तो क्या चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं? चुनाव लड़ना अपनी इच्छा में भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश नेतृत्व तय करता है वो व्यक्ति चुनाव लड़ता है, और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के योग्य है। पार्टी जिसको भी कैंडिडेट बनाएगी वो चुनाव लड़ेगा। सर, बात करें एज प्रदेश महामंत्री, किस तरह से तैयारी भारतीय जनता पार्टी के अभी चुनाव को लेकर चल रही है, क्या लगता है, क्या होने वाला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर समय चुनावी मोड में रहती है। भारतीय जनता पार्टी जो काम, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता काम करता है वो सेवा के भाव से काम करता है, और हम केवल चुनाव के लिए काम नहीं करते। हमारी पार्टी हमेशा जनता के बीच में, हमारा कार्यकर्ता हमेशा किसी न किसी कार्यक्रम में जनता की सेवा में लगे रहते हैं, चाहे वो परिस्थिति कोई भी हो। अभी आपने देखा होगा कोरोना का काल था, उस समय भी जब सारे राजनीतिक दल अपने घरों में बैठे थे तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़कों पर निकलकर लोगों के घर में खाना बांट रहा था। आज चाहे किसी भी तरीके के कोई कार्यक्रम हो, किसी तरीके की कोई सामाजिक समस्या हो, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बढ़ चढ़ कर भाग लेता है। सर, बात करें वही माना जाए कि अगर आप मेयर बन जाते हैं काशीपुर के, या कोई और भी कैंडिडेट मेयर बनता है, तो किस तरह से कौन से वो काम होंगे जो काशीपुर के डेवलपमेंट को लेकर आप करना पसंद करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो भी जनप्रतिनिधि होता है वो हमेशा विकास की बात करता है। हमारे माननीय विधायक चीमा जी है, इतने लंबे समय से कोई भी अगर शहर की समस्या होती है, आज शहर में देखते हैं कि जो दबंगइयों का राज था वो आज नहीं है, वो खत्म हुआ है, सुशासन मिला है। सर, फिर भी कुछ तो ऐसे काम होंगे जो कि आपकी और भारतीय जनता पार्टी की नजरों में ऐसे होंगे जो काशीपुर में अभी होने हैं? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि बनता है तो निश्चित रूप से विकास की ओर ध्यान देता है। ऐसी काशीपुर की अगर हम बात करते हैं तो काशीपुर में भी अभी जो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे सफाई व्यवस्था में और चुस्त दुरुस्त करने की जरूरत है, काशीपुर के सौंदर्यकरण की जरूरत है, जैसे ग्रीन काशीपुर, एक हरा भरा काशीपुर हो, स्वच्छ काशीपुर हो, एजुकेशन का हब बने, और जो हमारी और भी जो अन्य जो जन समस्याएं हैं उनको लेकर जो भी काशीपुर का जनप्रतिनिधि बनेगा निश्चित रूप से इन समस्याओं का हल करेगा। सर, बात करें विपक्ष को कहां देखते हैं इस चुनावी दंगल? देखो, काशीपुर में विपक्ष हताश और निराश है, और काशीपुर ही नहीं मैं तो कहूंगा पूरे प्रदेश में हताश और निराश है, और पूरे देश में हताश और निराश है। उसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की जो मजबूत पकड़ है, जो हमारी जो है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ पर काम करता है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पन्ना प्रमुख के रूप में काम करता है, जनता की सेवा करता है, लोगों के दुख दर्द में काम आता है, उस और उसके साथ साथ जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चल रही हैं वो जनता के हित के लिए काम कर रही है, जो अंत में अंतिम छोर में बैठा व्यक्ति है उसके लिए काम कर रही है। उसी प्रकार हमारे जो धामी जी की सरकार है, धामी जी की सरकार आप देखते होंगे उत्तराखंड में है, जिस तरीके से काम कर रही है उसका परिणाम है कि आज जो है नकल विरोधी कानून आ गया है, आज जो है कहते होंगे कि धर्मांतरण कानून आ गया, UCC कानून आ गया, तो ऐसे कानून लेकर धामी जी आए हैं जो कि आज तक आप देखते होंगे जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उसी का परिणाम है कि काशीपुर में आज कांग्रेस खत्म है, पूरे प्रदेश में कांग्रेस खत्म है, और धामी जी का जो करिश्माई नेतृत्व है उसके सामने सभी लोहा मानते हैं। निश्चित रूप से काशीपुर में भी भाजपा जीतेगी, और जो जितने हमारे निकाय हैं सब में भारतीय जनता पार्टी की सीटें हम जीतने वाले हैं। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी, जिनसे हमने बात करी। चुनावी हलचल के अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे आपके साथ किसी अन्य शख्सियत के साथ। तब तक मैं आपसे विदा लेती हूँ अपने सहयोगी के साथ, नज़ला फातिमा, सुरागीलाल।